बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाश कई मामलों में वांछित चल रहा था और मुठभेड़ के दौरान घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चला रहे हैं खिलाफ, हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। इसी मुहिम के तहत कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए आज एसओजी यमुनापार की और थाना भूरपुर की टीम थाना भूरपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल आई और पुलिस दल को देखकर मुड़कर भागने लगी। पुलिस की आवाज लगाने पर, पीछा करने पर उनकी तरफ से फायर किया गया और रिटेलिएशन में जब पुलिस ने फायर किया तो एक अपराधी के पैर पर गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल अपराधी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर, अंधेरे का फायदा उठाकर एक अन्य अपराधी भागने में सफल हुआ है। हम लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। और खबरों के बीच प्रयागराज से इस वक्त एक खबर आपको बताने